वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वाचिंग ऑलवेज राहुल आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एंड अभी मैं सो के उठा हूं, आज एकदम फ्रेश ताजा तो फील नहीं हो रहा है, बहुत ही लेजी लेजी सा फील हो रहा है। तो आई जस्ट ओवरस्लेप्ट टुडे क्योंकि मैं कल रात को कुछ करीब 12-15 ऐसे कुछ सोया था और मैं आज सुबह उठा हूं लगभग 8:45 के अराउंड। तो मेरे लिए तो ओवरस्लेप्ट है क्योंकि मैं 6 बजे उठ जाता हूं। कल मैं उठ गया था लेकिन बेसिकली हुआ ये था कि कल 1 बजे सो के मैं उठा था 5:30 बजे। तो उसके वजह से नींद पूरा ना होने के कारण फिर मैं ग्राउंड गया, ग्राउंड से घर आते ही सो आई जस्ट डिसाइडेड टू ब्लॉग बट अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक सो एंजॉय। अभी मैंने सुबह ओट्स लेना भी चालू किया है क्योंकि मैंने वीडियो में देखा कि ओट्स इज गुड फॉर योर हेल्थ बिकॉज इसमें फैट्स जो है काफ़ी कम रहता है, कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसकी वजह से एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही स्लोली डाइजेस्ट होता है, तो इसके वजह से भूख जो है कि बार बार आपको नहीं लगता। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो ओट्स इज बेस्ट, जस्ट हैव इट। और हाँ, और एक बात, आप पूछोगे कि ओट्स को लेना किसमें है, तो ऑफकोर्स ओट्स को आप दूध के साथ भी ले सकते हो, पानी के साथ भी ले सकते हो, लेकिन मेरा है मसाला ओट्स और पीछे क्लियरली मेंशन है कि आप इसको पानी के साथ ही लो। तो यार मैं पानी के साथ ही लेता हूँ, पानी को उबाल लेता हूँ, फिर ओट्स डाल के रख देता हूँ उसमें, उसके बाद मैं खाता हूँ। मसाला ओट्स है तो इसके वजह से प्रॉब्लम नहीं होता है। फिलहाल तो मैं दूध और बनाना खाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइज अभी शाम हो गया है, शाम के अभी बज रहे 6। मुझे आज पता नहीं था कि आज ब्रदर्स डे है या ऐसा भी कुछ दिन होता है। अभी तरह तरह के दिन आने लगे हैं, पता नहीं यार। फ्रेंडशिप डे तो पहले से था, मदर्स डे, फादर्स डे मुझे पता था, लेकिन ब्रदर्स डे, फिर एक बेस्ट फ्रेंड डे, मतलब क्या क्या डे सब आ गया है मुझे नहीं पता था। वैसे हैप्पी ब्रदर्स डे टू यू ऑल गाइज, थैंक यू जितने भी लोगों ने मुझे विश किया इंस्टाग्राम में एंड व्हाट्सएप में, जितने भी स्टेटस वेटस था, सो थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे देखिए ये बंदा कितना दुखी में बैठा है। भाई क्या हुआ, तू इतना दुखी क्यों है? ओए पता है तुझे, वीडियो में आ रहा है तू। वैसे बारिश वारिश हो रहा था, अभी बारिश तो बंद हो गया लेकिन क्लाउड्स अभी भी है। तो गाइज अभी ऐसा हो गया है कि अभी 2-3 दिन का जो पार्ट मैं बना रहा हूँ, आज का दिन से मैंने मान लो 3-4 टेक लिया, फिर कल का कुछ ऐसे 2-3 टेक लिया, तो फिर ऐसा ऐसा करके शॉर्ट वर्ड्स जोड़ के मर्ज करके एक वीडियो में प्रॉपर डाल रहा हूँ। पहले क्या था कि एक दिन में मैंने जो मुझे कंटेंट मिला मैं डाल देता था, तो इसके वजह से अभी गैप जो है काफ़ी लंबा हो गया है। आपको आपने नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, मैंने जो इससे पहले वाला शॉर्ट था, मतलब एकदम पहले वाला जब ब्लॉग स्टार्ट हुआ था वो सुबह का था, उसके बाद वाला जो शॉट आपने देखा रहेगा वो सीधा अभी बज रहा है 6:00, मतलब उसके बीच में मैंने कुछ नहीं किया है, तो इसके वजह से मैंने कुछ रखा नहीं है। अभी मेरा प्लान है कि एग्ज़ाम के बाद मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊंगा, और लिटरली डेली ब्लॉग्स मतलब मैं एकदम रेगुलर आ जाऊंगा जैसे पहले स्टार्टिंग में था। गुड मॉर्निंग गाइस, और दिस इज द नेक्स्ट डे। पता नहीं आज, लेकिन आज सुबह पता नहीं सुपर पॉजिटिव फील आ रहा है, जो कि मेरा मन किया कि कैमरा में शेयर करूँ तो कर रहा हूँ या। और अभी तो सुपर पॉजिटिव रहने का और एक रीज़न ये है कि एज अ RCB फैन कल RCB जीत गया, एंड 2 दिन से मैंने कुछ पुशअप वगैरह नहीं किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर थोड़ा कर लूँ। किचन, ये तो किचन नहीं अभी ब्लॉगिंग रूम बन गया है, मतलब ब्लॉग स्टार्ट भी यहीं पर हो रहा है और दिन भर ब्लॉग भी यहीं पर चल रहा है। सो गाइज, टुडे इज द डे फॉर माई सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन। रीजन बीइंग कि इतना लेट मैं क्यों ले रहा हूँ, अगर आपने मेरे को पहले से फॉलो किया रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मैंने डोज 1 फरवरी के स्टार्टिंग में लिया था, लेकिन ये डोज 2 इतना लेट इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज अपॉइंटमेंट डेट जो रहता है 26 अप्रैल 27 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी मैं इतना लेट ले रहा हूँ, थोड़ा लेजी घाई घाई में गया नहीं फिर, उसकी वजह से मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं भाई बहुत डिले कर दिया हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ काम को मेरा। सो गाइज अभी मैं घर वापस आया, वैक्सीनेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। सो लास्ट टाइम की तरह आज ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि आज काफ़ी कम लोग थे, और जो पहला स्लॉट था वो पहला स्लॉट में पहला नाम ही मेरा था, तो इसके वजह से मैं बस गया, नाम बुलाया तो मैं चला गया, तो फिर जल्दी जल्दी में सब हो गया फटाफट। अभी जनरली क्या होता है कि जब आप वैक्सीन लेते हो काफ़ी सारे लोगों को मतलब थोड़ा वीकनेस फील होता है या फीवर वगैरह आता है, लास्ट टाइम भी मेरा हुआ था, मतलब फीवर आया था। अभी फ़िलहाल तो रेस्ट करते हैं, शाम को थोड़ा बाहर जाएंगे। बहुत दिन हो गया कि घर में मतलब मैं ब्लॉग कुछ नहीं बना रहा हूँ, सबको लग रहा है कि मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉगिंग मैंने नहीं छोड़ा है, बस अभी मैं एक ब्रेक में हूँ, बहुत ही बड़ा ब्रेक हो गया है अभी एग्ज़ाम के वजह से। मैंने पहले से आपको बता के रखा था कि ऐसा कुछ ब्रेक आएगा और ये ब्रेक अभी चल रहा है, और नो वंडर मैंने लास्ट ब्लॉग कब बनाया था मुझे याद भी नहीं है, मे बी 7-10 दिन हो गया है। एग्जाम जैसे ही खत्म होगा पूरा ट्रैक में आ जाएंगे, पूरा रेगुलर वीडियो बनाएंगे। तो गाइज आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम ब्लॉगिंग विद माई लवली फ्रेंड्स। तो अभी सोहेल साइकिल चला रहा है मेरे को लेके, और साइड में सायन भैया है, मैंने इनको इंट्रोड्यूस नहीं किया रहेगा पहले कभी भी ब्लॉग में, और अभी बारिश हुआ तो इसके कारण पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका है,
तो ये जो वेदर है ना, मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन आसमान काफी खूबसूरत लग रहा है। एक बार आप व्यू देखो। वैसे ये बंदा आपसे व्लॉग में नहीं दिखेगा, क्योंकि ऐसे भी नहीं दिखता था, अब भी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी ये जा रहा है मतलब 1.5 महीना के लिए कहीं पे। Yes, guys. गाइस अभी बॉडी में कोई चेंजेस तो नहीं आया, मतलब वीकनेस वगैरह नहीं आया। मैं दोपहर को थोड़ा सोया था, लेकिन अभी इस हाथ में बहुत ज्यादा पेन है। अभी पेन और बढ़ेगा, मतलब अभी स्टार्टिंग पेन है तो सोचा अभी थोड़ा पेन हो रहा है। बारिश हो गया, बारिश मुझे ऐसा पसंद तो नहीं है, लेकिन ये जो बारिश हुआ ना, कि थोड़ा सा बारिश हुआ फिर पूरा एकदम ठंडा हो गया वेदर, मस्त ठंडा प्लेजेंट सा वेदर हो गया। अभी पूरा बारिश बंद हो गया, बहुत सही फील हो रहा है। अभी मैं घर पहुंच गया हूं। गाइज इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम कि मैंने एक लास्ट, मतलब मेरे लिए काफ़ी लंबा टाइम है, आपने तो एक दो ब्लॉग पहले ही अच्छा सा देखा रहेगा। अभी बहुत लंबा टाइम हो गया कि मैंने कोई सनसेट वाला टाइमलेस बनाया था, तो अभी मैं ट्राईपॉड लेके आ गया हूँ, तो एक प्यारा सा टाइमलेस एंजॉय करो इस शॉट के बाद। 1, 2, 3।